सीताराम साधु जी, एक दो तीन, तीन डी छोड़कर, डी मतलब ये जो रेलिंग सी बनी है, पुरुषों में से बाएं बायां अंग्रेजी लेफ्ट, लेफ्ट साइड की तीन डी छोड़कर सबसे वहां लास्ट में जगदीश नाम के एक दादाजी बैठे हैं। जगदीश सिंह जी आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। नंबर दो, सबसे पीछे में एक दादाजी अपने बेटा को लेकर आए हैं, उनके साथ उनकी माताजी भी हैं। बालक को दिमागी समस्या है, रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं बहुत ज्यादा, वह बालक बीमार है, आ जाए, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। उठाइए माइक बहन जी, नजदीक आइए। क्या नाम है आपका? बबीता। आपने यहां नाम लिखवाया था क्या? किसी ने पूछा था क्या? झूठ तो नहीं बोल रही? नरके जाओगी? नरके कहां से आई? कहां पड़ता है? सूरत में, नीलगिरी के पीछे। अच्छा, ये नीलगिरी है? अच्छा, आप जा रहे, बहुत आशीर्वाद, जाना चाहिए। नजदीक आइए माता जी, खाले हमारे प्राण, ठीक है, हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी हमने लिखा। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न यही था कि हम बाबा से हम मिलेंगे। हाँ, सरदार खाली दिल में यही था कि हम बाबा से कब मिले। अच्छा, बाबा से कब मिले? देखो बहन, हम ना तो बाबा है, ना हमारी दाढ़ी है, ना मूंछ, ना हमारे पीछे पूंछ, बच्ची मेरा श्रद्धा है। हाँ, अच्छा, मिलने की श्रद्धा थी, अच्छी श्रद्धा है, फिर भी कोई प्रश्न? तो यही है कि हम मिलके बहुत धन हो गए। अच्छा, धन हो गई मिलके, हम भी धन्य हो गए आपको मिलकर। बोलो और कुछ? एक प्रश्न लिखा है आपका, पूछिए, कहो तो हम बताएं। ठीक, कोई प्रश्न नहीं, दर्शन करने आई, सिरवा शरीर में बीच बीच में पीड़ा बनी रहती है, बोलो हाँ या ना? सही बात है, जाओ ठीक हो जाएगी। साधु जी, बहुत समस्या पड़ा रहता है, जो सोचते हैं वो पूरा कभी होगा। कार पूर्ण होंगे, घर पर धन की तंगी बनी वो दूर होगी, एवं पति के कार्यों में विघ्न बन जाता, तथा पेट में पीड़ा असहनीय हो जाती, कलेश दोनों लोगों में 1.5 साल से होने लगा है, एवं स्थान बदलने की इच्छा है, स्थान बदल दीजिएगा, 3 महीने बाद नया स्थान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभी बात हो गई है आपकी वहां पर, अब वो स्थान ले लीजिए, आज्ञा है। और घर पर एक ठैया झंडा लाल लगा लीजिएगा, ये जो शरीर की पीड़ा है इसके लिए हम दरबार के बाद झाड़ा लगा देंगे, और आज सूरत में प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगेगा। लीजिए, उठिए, ये माता जी, बहन जी, छूना नहीं है, चलिए चलिए, बस दूर से ही स्पर्श। राम, साधु जी, ओ साधु जी।